दोस्तों सब्सक्राइब करें टॉप मस्ट को और बेल आइकन को दबाएं ताकि लेटेस्ट वीडियोस की जानकारी पाएं सबसे पहले। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका टॉप मस्ट में। दोस्तों कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों राज बब्बर को कौन नहीं जानता है। जी हाँ, अपने अभिनय के दम पर अपनी पहचान बनाने वाले राज बब्बर आज बॉलीवुड में किसी पहचान के मोहताज नहीं है। लेकिन राज बब्बर की कहानी भी बेहद रोचक भरी रही है। राज बब्बर को फिल्म इंडस्ट्री में नेम और फेम 1980 में रिलीज हुई फिल्म इंसाफ का तराजू में निभाए गए उनके नेगेटिव रोल से मिली। जी हाँ दोस्तों, वे भारतीय सिनेमा के ऐसे एक्टर हैं जिन्होंने खलनायक और नायक दोनों ही रूपों में जाना जाता है। 1980 के दशक में राज बब्बर ऐसे एक्टर्स की लिस्ट में शुमार हुए जिन्हें अपने निभाए किरदारों के लिए पहचाना गया। दोस्तों राज बब्बर के बारे में तो आप सभी जानते हैं, लेकिन क्या आपको मालूम है कि इनकी रियल लाइफ पत्नी कौन है, क्या करती हैं और कैसे दिखती हैं? इन सभी बातों के लिए आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। साथ ही राज बब्बर के दमदार अभिनय के लिए इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। राज बब्बर का जन्म उत्तर प्रदेश के टूंडला में 23 जून 1952 को हुआ था। इनके दो भाई और चार बहने हैं जिनमें से ये सबसे बड़े हैं। दोस्तों राज बब्बर ने अपने जीवन में दो शादियां की हैं। पहली 1975 में मशहूर थिएटर आर्टिस्ट और फिल्म निर्देशक नादिरा बब्बर और दूसरी शादी 1986 में फेमस फिल्म एक्ट्रेस स्मिता पाटिल से। इनके तीन बच्चे हैं, जूही बब्बर, प्रतीक बब्बर और आर्य बब्बर। जी हाँ, आपको बता दें कि आर्या और जूही नादिरा के बच्चे हैं जबकि प्रतीक स्मिता पाटिल के बेटे हैं। राज बब्बर की पहली पत्नी नादिरा बब्बर मशहूर नेता सैयद साजिद जाहिर और उर्दू लेखिका रजिया साजिद जाहिर की बेटी हैं। दूसरी पत्नी स्मिता पाटिल थी, वह एक मराठी परिवार से थी। वह बॉलीवुड इंडस्ट्री में 1970 से 1980 के दशक की मशहूर एक्ट्रेस रह चुकी थी। इनका देहांत 1986 में हुआ। इसी वर्ष इन्होंने राज बब्बर से शादी की थी। कहा यह जाता है कि स्मिता पाटिल ने बेटे प्रतीक बब्बर को जन्म के दौरान ही दम तोड़ दिया था। स्मिता पाटिल के देहांत के बाद राज बब्बर अपनी पहली पत्नी नादिरा के साथ रहने लगे। दोस्तों इनकी लव स्टोरी भी बॉलीवुड में काफी प्रचलित रही। 1985 में बॉलीवुड की पद्मश्री विजेता अभिनेत्री स्मिता पाटिल से शादी करने के बारे में जैसे ही राज बब्बर ने अपने घर में चर्चा की, उसके तुरंत बाद ही उनके माता पिता ने इस बात पर एतराज जताते हुए घर और स्मिता पाटिल दोनों में से एक को चुनने के लिए कहा गया था, जिसमें से राज बब्बर ने स्मिता पाटिल को चुनते हुए अपना घर छोड़ दिया था। उस समय राज बब्बर की शादी फिल्म निर्देशक और थिएटर आर्टिस्ट नादिरा बब्बर से हो चुकी थी। उनके दो बच्चे भी थे। घर छोड़ने के कुछ महीनों के बाद राज बब्बर ने 1986 में ही स्मिता पाटिल से शादी की। दोस्तों आपको बता दें कि बॉलीवुड में अभिनय के दौरान राज बब्बर राजनीति से भी जुड़े रहे। राज बब्बर ने अपने करियर में लगभग 200 से ज्यादा फिल्मों में काम किया, जिसमें पंजाबी और बॉलीवुड फिल्में भी शामिल है। दोस्तों आज भी राज बब्बर काफी सक्रिय हैं फिल्मों में। तो दोस्तों ये है राज बब्बर की रियल लाइफ दो पत्नियां। दोस्तों आपको राज बब्बर की कौन सी फिल्म सबसे ज्यादा पसंद आती है, आप जरूर मुझे कमेंट बॉक्स पर लिखकर बताएं। साथ ही दोस्तों आपको राज बब्बर की जोड़ी कैसी लगी उसके बारे में भी हमें आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताएं। फिलहाल के इस वीडियो के लिए इतना ही। मिलता हूं एक नए वीडियो के साथ। स्टे ट्यून्ड। गुड बाय। नमस्कार।